पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो अगर हमारे द्वारा कोई दुखी हो रहा है तो ये बहुत बड़ा पाप है, फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने दोषों को दूर करना है। भगवान की भक्ति अगर वास्तव में करेंगे तो ये सारे दोष अपने आप कम होते चले जाएंगे। फिर अगर हम किसी को दुख देंगे भी तो हमें खुद लगेगा कि नहीं, हमें कष्ट नहीं देना चाहिए, इसके हृदय में भी भगवान है। और अगर उसके हृदय में भगवान है तो जो भगवान हमारे हृदय में है वही भगवान उसके हृदय में भी है, तो उसके अंदर बैठे भगवान को कष्ट होगा, इसलिए हम उसको दुखी नहीं करेंगे। ये अगर हम हृदय में धारण करेंगे तो किसी को दुख नहीं देंगे, सोचेंगे भी नहीं, फिर वो भी तब होगा। भगवान की भक्ति बढ़ती जाएगी तो ये चीजें, माया की चीजें कम होती जाएंगी अपने आप, करना नहीं पड़ेगा। ये पहचान है अपने आप को जानने की कि भगवान की ओर कितना बढ़े, कितना चले। तो जब भगवान के लिए, अरे अगर भगवान के लिए बैठे हैं, भगवान के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर हम उनके लिए आंसू बहाएंगे तो हमारे हृदय पिघलेगा ना, और अगर भगवान के लिए पिघलेगा तो संसार में भी हमारे मन नहीं लगेगा, सोचेंगे नहीं इसके हृदय में भी भगवान है, नहीं इसको भी कष्ट नहीं देना, क्या करना है, भगवान की भक्ति करना है। कर रहा है गलत है भोगेगा, ठीक है, भगवान की भक्ति करना है। भगवान की भक्ति में बढ़ते जाएंगे तो आंसू भी आएंगे, और आंसू भी तब आएंगे जब हम भगवान को अपना मानेंगे। तो प्रेम करो भगवान से तो संसार में भी हमारा काम क्रोध लोभ मोह सब कम होता जाएगा, और अगर कम हो रहा है तो हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर नहीं कम हो रहा है तो समझ लो हम भगवान की तरफ एक सीढ़ी भी आगे नहीं बढ़े, चली भी नहीं, अभी स्टार्टिंग भी नहीं की। तो आगे भक्त कह रहा है, माया मोह हरो श्री राधे, हमारी माया को हर दो, मम उर मह विहरो श्री राधे, हमारे हृदय में विहार करो। इसी लाइन है, बाकी आप लोग समझते जाएंगे, समझदार हैं, नहीं समझ में आएंगे तो हम बताते जाएंगे।